अस्सलाम वालेकुम जी। शुरू कर रहे हैं अज का व्लॉग। बाबा दिनों बाद ही व्लॉग बना लगे हैं। माशाल्लाह माह रमज़ान का महीना चल रहा है। अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि मालक ने सानू साड़ी जिंदगी ये महीना नसीब किया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह अज 17वां रोज़ा हो गया है। तो वाह दिनों बाद मैं व्लॉग बना लगा वा। तो तुम वेख सकते हो कि कितना सोहना मौसम है। सुबह सुबह तकरीबन 5:30-6 का टाइम हो जाता है। देखो कितना सोहना अल्लाह ताला ने मौसम बनाया था। वे क्या बात है। ओ चन नज़र आ रहा वे दरख्तों के उत्ते बदल होए दे ने। ते अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश करे। माशा अल्लाह जी माशा अल्लाह सुबह सुबह का टाइम है। बिल्कुल सूरज उग रहा वे। परिंदे बोलन दे ने ठीक है। तो यह पिंड का माहौल देखो कितना सोहना नज़र आ रहा है। मेरे मालक दियां नेमतां ने अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सानू ये नेमत अता कीतियां ने। तो मालक अपने खजाने जो मजीद नेमत अता करे। माहे रमज़ान का महीना चल रहा है। तो बड़ा मज़ेदार काम हो रहा है। मज़ेदार काम तो मुराद के सुबह उठ के सैरी करी दी है। सैरी करन तो बाद रोज़े की नीयत करके रोज़ा रखी दा है। रोज़े की नीयत करके रोज़ा रखन तो बाद नमाज की तैयारी। नमाज पढ़न चाहिए मस्जिद। नमाज फजर अदा करके अगे तो मैं सो जाना हाँ। रोज़ाना नमाज़ पढ़ने तो बाद अगे मैं रोज़ाना सो जाना हाँ। जदों का भी माहे रमज़ान चल रहा रोज़े रख रहे हैं। उस तो बाद उठी दे 9 या 8 के नाल फिर काम की तैयारी। काम तो जाइदा वे। इफ्तारी घर आके कर ले दी है। ज़्यादा इफ्तारी काम तो ही होंगी है। मेरे मालक का एहसान है कि यह जरा माहे रमज़ान आया ना वाह वाह देर बाद हल्की हल्की ठंड में वे इन्नी गर्मी महसूस नहीं होंगी। इन्नी धुप महसूस नहीं हो रही। तो रोज़े बड़े मज़ेदार गुजर रहे हैं। अलहमदुल्ला हूँ तक जिन्हें भी रोज़े ने सारे रखे जा रहे हैं। तो उम्मीद है मालक आसानी पैदा करेगा तो इंशाल्लाह सारे रोज़े रखे जाएंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए साढ़े मेरे रोज़े भी तो बाकी सारे के रोज़े भी कबूल फरमाए जोड़े रोज़े रख रहे हैं। भैन भरा यह अजीम शाह दरबार है। ये कोलों की मैं लंघ रहा वहाँ। बहुत व्डा बोर्ड का दरख्त है। तो बड़ा सोहना दरख्त है। ये छोटे छोटे असी होने तो मेला लगता होंगे आने होने स मेला वेखन वास्ते। अच्छा जी यह वेखो जनाब कनक लगी हुई है। कनक के सिट्टे वेखो किन्ने सोहने अल्लाह ताला ने बनाए दे ने। मेरे मालक का निज़ाम है सारा। तो जितों तक मेरा कैमरा जा रहा कनक लगी है। फिर सब्जियां लगी दियां ने। फिर उस तो बाद लोगों ने इतने प्लाटिंग भी की मकान बना रहे हैं। यह वेखो जनाब यह सरकार धनिया लगा दा है। धनिया जरा असं पाने हांडी देखो किन्ने खूबसूरत पौधे ने। ते पूरी पहली किसी बादशाह ने धनिया की लाई दी है। अच्छा जी अलहमदुल्ला अल्लाह पाक का शुक्र है कि एक अपने भरा तो बड़े ही खास दोस्त दे हेल्प दे नाल एक काम शुरू किया वे। पकौड़े लाए देने समोसे लाए देने टिक्कियां वगैरह ये वो यह काम शुरू किया। सीधी गल के फ्राई चीज़ों का काम शुरू किया वे। तो वाह भाई दिनों बाद मैं व्लॉग बना लगा वा। टाइम नहीं मिलता हैगा। सुबह सुबह उठी दा वे उठ के मंडी जाइए तैयारी करी दी है। तैयारी करद्या करद 9-10 बज जाते हैं। 11 बज जाते हैं। फिर नाल ही काम का टाइम शुरू हो जाता वे। तो अज तो नीयत की है कि टाइम कढ के लाजमी व्लॉग बनाव करांगे डेली अपडेट करांगे अगे जो अल्लाह ने मंजूर है। ए वेखो जनाबे वाली ए लगा दा वे शटाला। ए तुसी वेख सकते हो जेड़े मझां गावां खांदियां ने बकरियां खांदियां ने ओह शटाला लगा दा वे। ते विच सरों दे पौधे लगे दे ने। ए पीले फुल सरों दे ने जिहदे च गाना बनाया शाहरुख खान ने तुझे देखा तो ये जाना सनम। अच्छा मैं अज अच्छा तो जनाब मैं अज जा रहा वां चोरी करन। चोरी समझते हो ने चोरी कख दी होवे लख दी होवे चोरी चोरी हुंदी है। रोज़ा रखिया गल सच्ची करनी चाहिए है। मेरा एक यार है बड़ा चंगा बचपन का लंगोटिया वे उन्होंने अल्लाह ने जगह दिती दी है। उन्हें को 5-7 मरले का प्लाट लिया वा वाह वाह खाता पीता वे बाहर काम कुम करता वे नवा नवा विआह कराया उन्हें। उन्हें अपना जो प्लाट है ना वो लाई दी है सब्जी बड़िया तरीकों की। मेथरी ला लो लसन ला लो
फिर होर आइटमां बड़ियां उन्हें लाई दियां जिहड़ियां कार रोज़मर्रा दे इस्तेमाल च आई जांदियां ने। ते अज मैं जनाब चलना उहदे प्लाट च सब्जी की चोई करन, तो उन्हें वेखने आ उत्थे सानू कोई चीज़ नज़र आउंदी भी है कियां वह पुट पटा के लै गया दे अपने पकाने वास्ते। तो आओ मेरे नाल वीडियो विच पूरे बने रहो, बड़ा मज़ा आएगा। अब यह भी कनक लाई दी है किसी किसान भरा ने, तो अल्लाह ताला इहदी फसल च बरकत पावे। अच्छा जी मैं जा रहा वा हुण बिल्कुल उहदे प्लाट के सामने आ गया वा, उहदे प्लाट वल नूं जा रहा मैं। तुसीं देख सकते जो ओ सामने जिथे दरेकां लगी दियां ने, यह प्लाट है मेरे यार दा। तो इत्थे आके सानूं बड़ी खुशी महसूस हुंदी है कि साडे यार दा प्लाट है। तो एक दफ़ा पहले भी मैं आया हाँ तो सब्जी लैन वास्ते अपने यार दे प्लाट तो, ते आज मैं फिर दोबारा आया वा नमाज़ पढ़ के, तो इधर निकल आया सीधा सीधा कि चल यार सवेरे सवेरे सुबह सुबह जोड़ा काम मुकदा मैं का आईए, क्योंकि सब्जी फिर मुल भी लैनी होंगी है, तो बेहतर जो कोई डंग टप जाए साढ़ा। ऐ वेखो जनाब इंज दे राह कितें लभदे ने तुहानूं, इस तरह के राह लभन वास्ते पिंडां दे विच जलील होना पैंदा वे, जड़ा मैं हुण हो रहा वा। मैं जलील हुंदा हुंदा अपने फायदे वल भी जा रहा वा, जे को मैनूं शह नज़र आ गई तो फिर जरूर फायदा हो जाएगा। ऐ वेखो जी दरेकां लाई दियां मेरे यार ने, ऐ दा प्लाट है, रब्बे नूं होर दवे असीं राज़ी हाँ इहदे तों। ऐ दरवाज़ा इहदे प्लाट दा, ठीक है। ऐ वेखो जनाब मैनूं तो कोई शह नज़र नहीं आ रही, बहरहाल अंदर जाके वेहना वा कोई चीज़ है वे कि नहीं है। मेरे को यार सैल्फी स्टिक नहीं है ना स्टैंड जरा मैं खार के वीडियो बना सकता, पर मैं कोशिश करना कोई जुगाड़ लग जाए। ऐ तुसी वेख सकते हो जनाब सारे कि मैं ये प्लाट के विच दाखिल हो गया वा, चार पासे कैमरा घुमा के मैं तुहानूं विखा रहा वा। ਐ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਮੈਂ ਵੜਿਆ ਨਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਐ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਪਾ ਗਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਗਿਆ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਥਰੀ ਏਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਥਰੀ ਖਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੇਥਰੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਘਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਗਿਆ ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਨਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੂੰਗਰੇ ਮੇਰੀ ਸਾਹ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂੰਗਰੇ ਵਹਾਨਾ ਵਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੂੰਗਰੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੂੰਗਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂੰਗਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੱਭਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀੜਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮੜਿਆ ਦਾ ਮੂੰਗਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੂੰਗਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਥਰੀ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮੂੰਗਰੇ ਤੋੜਨੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੂੰਗਰੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਵੇਹਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਗਰੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵੇ। ਐ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੂੰਗਰੇ ਤੋੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੈਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸਾਂ ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਮੂੰਗਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾ, ਫੇਰਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਮੂੰਗਰੇ।
असल शै मैं लैन आया सै वाली फलियां, पर यह फलियां लगता कोई पुट के लै गया पहले ही। कुछ ना कुछ फायदा तो होया कि चलो अज की दिहाड़ी की जी सब्जी है कुछ बहरों लै आवे तो कुछ लभ गई है, तो वह भी ताज़ी बिल्कुल फ्रैश सब्जी टना टन। पता चले भाई इनू जो पका जो ताज़ी सब्जी पकाना है ना यदा जायका ही कुछ होर होना है। जी साढ़े को सब्जी आँदी है दुकाना तो जी सब्जी असं दुकाना तो लैके घर आने ना वो घट्टो घट कोई तीन चार दिन पुरानी होंगी है। ताज़ी सब्जी नहीं असं खाते है, अज असं ताज़ी सब्जी खावे फिर अपने यार दवावान देवे। नाले एक गल होर, मैं चोरी करन नहीं आया, ए मेरे यार ने मैं खुद कहा कि यार सब्जी उत्थे लगी होंगी है दिल करे तो लै आया कर, क्योंकि रोज़ा रखा रोज़े च इंजे तो कम नहीं करी दे, उंज भी नहीं करी दे। अल्लाह ताला माफ़ करे, पुछ के किसी को शैल ही लवो, उहदा स्वाद ही कुछ होर है। अज का व्लॉग इत्थे ख़त्म करने हैं जी, अल्लाह हाफिज़।